गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर टू। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के प्रकार, पौधों के प्रकार। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मुख्य रूप से तीन तरह के प्लांट्स होते हैं। नंबर वन, हर्ब्स। द स्मॉल प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि द स्मॉल प्लांट्स, छोटे प्लांट्स विच हैव, जिनके सॉफ्ट, मुलायम, ग्रीन, हरे रंग की और थिन, बहुत पतली स्टेम्स, जंडियां सी होती हैं, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर एक्सेट्रा। यानी कि आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा होता है और मिंट पुदीना होता है और एक कोरिएंडर हरा धनिया, ये बहुत, इनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज्यादा पतली होती हैं, तो वो सब क्या होता है, वो है हर्ब्स। नेक्स्ट इज नंबर टू, शर्ब्स। द प्लांट्स विद थिक वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड शर्ब्स, जो प्लांट्स होते हैं विद थिक वुडी स्टेम्स, जिनकी स्टिक्स थोड़ी सी मोटी होती हैं, उनको हम शर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल, रोज, हिबिकस, कॉटन एक्सेट्रा। आपके घरों में रोज प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम्स होती हैं उनको हम शर्ब्स बोलते हैं। हिबिकस हो गया और कॉटन प्लांट हो गया, इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो थोड़ा वुडी होती है, हार्ड होती हैं। दीज आर शर्ब्स। नंबर थ्री, ट्रीज। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विद थिक वुडी ट्रंक्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी के जिन पेड़ों में टॉल, लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं जो प्लांट्स विद थिक वुडी ट्रंक्स, जो मोटे जिनके ट्रंक होते हैं उनको आर कॉल्ड ट्रीज, उनको हम ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो, पीपल, नीम एक्सेट्रा। लुक हियर, दिस इज द मैंगो ट्री, और ये जो इसका है स्टेम बहुत मोटा होता है, ये तना, इसको हम बोलेंगे ट्री। ऐसे ही पीपल के प्लांट में ये बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसका जो ये स्टेम्स है बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हैवी होते हैं। नीम हो गया, पीपल हो गया, मैंगो, तो दीज आर ट्रीज। एक्टिविटी, आपको एक एक्टिविटी करनी है विद द हेल्प ऑफ अ गार्डनर। पुल आउट अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम द सॉइल, आप सॉइल में से एक छोटे से प्लांट को बाहर निकलवाएंगे गार्डनर की हेल्प से, एंड ऑब्जर्व इट्स पार्ट्स, और इसके पार्ट्स को देखेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज नोन एज द शूट, यानी के द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज नोन एज शूट, यानी के जो प्लांट के पार्ट्स अबव यानी बाहर होते हैं, सॉइल से बाहर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शूट। द शूट हैज स्टेम, शूट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। द शूट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, दीज आर द शूट सिस्टम। इसमें आपके जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। शूट में ये वाले पार्ट्स आते हैं, स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज रूट। The part of the plant that grows below the soil, जो प्लांट के पार्ट्स बिलो द सॉइल यानी के सॉइल के अंदर होते हैं, नोन एज रूट, उनको हम रूट बोलते हैं। रूट आर द टू टाइप्स, रूट्स दो तरह की होती हैं। नंबर वन, टैप रूट, इट हैज वन मेन थिक रूट, उसमें टैप रूट में क्या होता है, एक बहुत मोटी थिक रूट होती है इन द मिडल में, एंड मैनी स्मॉलर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द सेंट्रल रूट, और सेंट्रल रूट से ही छोटी छोटी सी ब्रांचेस उसमें से निकली हुई होती है। एग्जाम्पल, मैंगो, पीज, रोज एक्सेट्रा। टैप रूट इज जस्ट लाइक इट, देखो ये है, ये टैप रूट है, टैप रूट से ही बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, इनको हम बोलेंगे इस टाइप की रूट्स को टैप रूट। ओके, नाउ अब है फिब्रस रूट। फिब्रस रूट क्या होता है, इट हैज मैनी स्मॉल रूट्स, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं फिब्रस रूट में, ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल, ग्रास,
ऑनियन राइस एक्सेट्रा। जैसे कि फाइबरस रूट में क्या होता है, इट हैज मैनी स्मॉल रूट्स, में छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं ग्रोइंग फ्रॉम द एंड, यानी कि जो लास्ट तक इसमें लगी हुई होती हैं ऑफ द स्टेम, एग्जांपल ग्रास ऑनियन राइस एक्सेट्रा। यानी लुक हियर, फाइबरस रूट इज जस्ट लाइक इट, देखो यानी इसमें क्या है, ये बहुत छोटी छोटी सी ग्रास ऑनियन वगैरह में बहुत छोटी छोटी सी एक साथ बहुत सारी रूट्स निकली होती हैं, उनको हम बोलेंगे फाइबर्स रूट। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।